अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। कैसे सब लोग? अच्छे होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। और आज मैं आपसे थी, मेरा आपसे गपशप करने को दिल कर रहा था, तो मैंने कहा चलें आपसे आज का दिन फर्स्ट ज़िलहज मुबारक हो, और आप लोगों से इसके बारे में बातचीत करूंगी कि कीमती 10 दिन हैं ये, तो हमें इसके लिए कुछ इहतमाम करना चाहिए। और ये बहुत साल भर के 10 अजीम तरीन दिन, इनका एक एक मिनट हम ज़ाया ना होने दें, क्योंकि अपना शेड्यूल बना लें, क्योंकि इसमें आप 10 दिन रोज़े भी रख सकते हैं, सदकात करें, ज़्यादा से ज़्यादा चलते फिरते दुआएँ मांगें। इसके साथ आप सुबह और शाम की रूटीन सेट कर लें। इसके बारे में ये आज मैं बात करने लगी हूँ, क्योंकि बहुत अहम दिन है ये। और आज मौसम भी कुछ बहुत अच्छा मौसम हो गया हुआ है, और कुछ पौधों पे फ्लावर्स भी आए हैं, और जो मौसम आज हवा चल रही है, क्योंकि गर्मी का बहुत जो है कि वो था कि बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और जो है कि आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रात से हवा चल रही है और मौसम भी अच्छा हो गया है। शुक्र अल्लाह का भी अदा किया है कि अल्लाह ताला ने अच्छा मौसम हमें दोबारा से दे दिया, क्योंकि गर्मी से इतना पसीना और इस तरह की बरसात वाली गर्मी स्टार्ट हुई हुई है कि आप बस सबका दम घुट जाता है। और ये है कि अभी अब सब लोगों का आजकल तो इतना मीडिया और इतनी अवेयरनेस है कि हम लोगों को पता है कि हमने ये 10 दिन बड़े जो हैं कि एक पूरा अहतमाम करना है। 10 दिन में हमने रोज़ा रखना है, सदका करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और जैसे चलते फिरते दुआएं मांगनी है। अपने दिन का आगाज़ भी हमें सदकात वगैरह से करना है, और ज़िक्र ज़कात से करना है, और कम अज़ कम 100 दफ़ा तकबीरात पढ़ना है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर वलहम्द जो है ये पढ़ना है, और 100 दफ़ा हमने सुभान अल्लाह वलहम्दुलिल्लाह इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अकबर। और दुनिया की बातें तो हम रोज़ ही करते हैं, और बाकी ये कि हम अपना वक्त जितना हम उस अल्लाह के ज़िक्र में लगा सकें, या उसको पाने में, अल्लाह की कुर्बत को पाने में लगा सकें, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और इन 10 दिनों के बारे में ये भी कहा गया है कि हम अपना खाना छाना बनाएं और उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें बनाएं जो अपने हमसाए करीबी गरीब बंदू को तकसीम कर सकें, और जोहर में नमाज़ पढ़ के थोड़ा सा रेस्ट करें, और फिर 2 नफल रात को हमने एक्स्ट्रा पढ़ने हैं, और इसमें कुरान पाक भी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। और अब और ये कह रहे हैं कि चलते फिरते डरू दवाएँ मांग, और आपको बाहर से आवाज़ भी आ रही होगी, जो बाहर से वो आइसक्रीम वगैरह बेचते हैं और उसकी वो जो आवाज़ें दिन में वो रोज़ लगा लेता है, और हम भी कहते हैं रोज़ आ जाता साढ़े बच्चों के लिए खराब करन। तो बात एक्चुअली जो हो रही थी उस पर फोकस करते हैं थोड़ा सा, और हमें वक्त पे जो है कि इन 10 दिन में थोड़ा सा टाइम पे वक्त पे नमाज़ें अदा करनी हैं, 2 नफल रात में एक्स्ट्रा पढ़ने हैं, और इन दिनों किए जाने वाले काम पूरे साल में किए जाने वाले कामों से बेहतरीन काम होंगे। और सदक़े के बारे में भी बताया, और अपनी अख़लाक़ी तरबियत करनी है हमें, आवाज़ में नरमी लानी है, हसद से बचना है, गिब्बत से बचने की कोशिश करें, दूसरों को पानी पिलाएँ, और अल्लाह को राज़ी कर लें, और दवाएं, और हमारी अल्लाह करे तो इंशाल्लाह दवाएं कबूल होगी। और इसका ये शॉर्ट सा एक खुलासा था, तो थोड़ा तो मैंने कहा चले मैं भी आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर कर लूँ ये बातें। बाकी तो हम दुनियादारी की बातें तो हम बहुत ज़्यादा करते रहते हैं, लेकिन वही है कि ये 10 दिन हमारे बहुत कीमती और बहुत खास हैं कि हम और ये जो बैठी थे ये भी इतना शोर कर रहे थे जब मैं आई थी, और मैं आई हूँ अब इधर खड़ी हुई हूँ बातें शतें कर रही हूँ, तो साथ ही चुप करके ना वो बैठ गए हैं, और उन्होंने जो है अब उस तरह से शोर नहीं किया, पहले वो इधर से आए हुए थे, और ये पहले भी हमारे इतने ज़्यादा थे, और जो हैं कि वो कुछ इधर से इतना बड़ा चूहा गुस्सा, और उसने हमारे बेचारे वर्ड्स को खा लिया। तो फिर से ये अब्बू जी ले आए हैं इनको, कितने मज़े से और बैठे हुए हैं वो। ये देखिए फ्रोजी से कलर का है, इसमें ग्रीन ग्रीन कलर के हैं, और
मैंने ये आज ब्लैंकेट वगैरह वॉश किए थे क्योंकि सुबह उठते मैंने अपनी मशीन में डाल दिए थे, क्योंकि ये इतने गंदे भी ना भी हो फिर भी ना ऐसी स्मेल सी फील हो जाती है, और मैंने वो भी इनको वॉश कर दिया था। और फिर आप भी मुझे बताइएगा कि आप लोगों का भी कैसा कैसे दिन गुजर रहे हैं और कैसे टाइम गुजर रहा है। और हवा देखिए कितनी प्यारी हवा और पौधों पर कितनी अच्छी लग रही है। और मैं बस अभी बाहर निकली थी तो मूड बना के मैंने कहा चलो आपसे गपशप लगाती हूँ कि आपसे बातचीतें करते हैं। और असर की नमाज़ अज़ान का टाइम भी हो गया और मैं भी असर की नमाज़ अदा करने लगी थी, तो मैंने कहा चलो मैं पहले आपसे गपशप करके थोड़ा सा व्लॉग बना लूँ तो फिर मैं नमाज़ अदा करती हूँ, क्योंकि अब यही है वो 10 दिन के बारे में पहले से भी आपसे मैं बात कर रही थी कि यही है कि ये बहुत खास दिन है और इंशाल्लाह रोज़ा भी रखेंगे और अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे इन सब बातों पे अमल करने की तौफीक दे। और बाकी ढेर सारी दुआओं में आप लोग भी मुझे याद रखिएगा कि आपसे फिर गपशप होगी। तो रब रखा, हंसते रहो बसते रहो ते सिरानू चसते रहो, अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह हाफिज़ बाय।